प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, जल्दी चाय नाश्ता ला भाई। ओ हो, लगता है आज अच्छी नींद मिली है। हाँ बाबूजी, ओ लंदन, मतलब ओ जेटलैग फेटलैग सब उतर गया तो नींद अच्छी हुई बाबूजी। बहू दया, बाबूजी बुला रहे। जी बाबूजी। मैं जरा मंदिर जाके आता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबूजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ कह रही। हाँ मैं घर पर ही हूँ। अच्छा, आओ 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 आओ। ठीक है ठीक है। कह रही एक घंटे में आ रही है। अरे वाह, तो तुम्हें सोसाइटी में भी सबको बता देती हूँ। अरे अरे सोनी भाई, जल्दी रोशन भाभी को बुलाइए ना। और रोशन जल्दी बाहर आ। हाँ मेरे बहन कोमल भाभी, जल्दी बाहर आइए, जल्दी। अच्छी भाभी, क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी, चाचा जी तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लंदन में मेरी ननद है ना। चिटवा की कौन सी बहन लंदन में? ननद? अरे वो केरी बहन, कल आई थी ना वो। ओके, तो वो अभी एक घंटे में गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रही है, तो आप सब उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो जाना। ठीक है, हम आ जाएंगे। अरे दया भाभी, कैरी सिर्फ आपकी मेहमान नहीं है, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की मेहमान है। हम पूरी भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ उनका स्वागत करेंगे। क्यों? बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू, सब लोग तैयारी करने लग गए। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलीचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Welcome के लिए इतने सारे लोग। कैरी बहन, आपने अचानक आके हम लोगों को सरप्राइज दिया ना, इसलिए आज हमने अचानक आके आपको सरप्राइज दिया। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। कैरी जी, मैं मिसेस माधवी भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका खूब खूब स्वागत। और मैं एटीबी। आमीन, आत्मराम तुकाराम भिड़े। हाँ। इनका पति। और सत श्री अकाल कैरी जी, मैं रोशन सिंह सोडी, और आप मेरी बेटी रोशन कौर सोडी। कितनी क्यूट है ना। और येलो ड्रेस में है बबीता जी। हाय। और दिखने में आपकी मौसी की लड़की दिखती है ना। हाँ? लेकिन वो फॉरेनर नहीं, इंडिया के ही है। और उनके बाजू में उनकी पत्नी। हाँ?
अरे उनके पति मिस्टर अय्यर। वडक्कम। वड़ा ओ साउथ इंडियन ना वड़ा खाते ना तो वडक्कम वेलकम को वडक्कम। और वो जो आप देख रहे हैं वो गले में जो सांप जैसा लटका है वो डॉक्टर हाथी, वो कोई भी बीमारी उनको देख के डर के भाग जाती है। और उनके बाजू में उनकी पत्नी कमल भाभी, वो हाथी भाई उनको देख के डर जाते हैं। सही बात है। Come on, कैरी, you're welcome in our society. और वहां से आगे चलते हैं तो ये हमारे मेरे परम मित्र ये तारक भाई मेहता, और उनके बाजू में उनकी पत्नी अंजलि भाभी। वेलकम टू मिनी इंडिया, गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल भारत का छोटा सा स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो भी आता है कैरी, हमारे यहाँ के निवासियों के प्यार के बंधन में ऐसा बंध जाता है कि फिर जाना नहीं भूलता। right. सही बात है, बिल्कुल सच कहा इन्होंने। और हम आशा करते हैं कि आपके साथ हमारा जो ये नया रिश्ता बना है ना, वो भी बस हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। Yeah, sure. ये हमारी भारतीय संस्कृति, ओ मेहमान को इसी तरह हम लोग ऐसे वेलकम करते हैं। तुम टापू हो ना? शुराथी, डेनिस द मेनेस। हाँ, और ये हमारे टापू से ना। हाय, हाय, हाय। एक मिनट। अरे? ओपन कोट में तुम्हें? ये एकदम सूट बूट में आ गए। एक हार पहना है ना, बस बहुत हो गया। दो दो हार पहना के क्या मतलब है? बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो फिर इनकी तरफ से ये हार मैं खुद ही पहन लेता हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? नाइस। अच्छा लग रहा है ना हम दोनों? हाँ हाँ, फूल एंड फूल। मेरे स्वागत के लिए थैंक यू वेरी मच गोकुलधाम सोसाइटी। आई लव यू ऑल। वी लव यू टू। आई लव यू टू। चलिए ना। हाँ हाँ। कैरी, ये हमारा घर है, यहाँ से सबसे नजदीक। चलो हमारे घर चलो। हाँ। चाय पानी पियो, फ्रेश हो जाओ। अरे अरे भाई, अरे अरे मेरी बात तो सुनो भाई पहले। मुझे एक बात बता, एबीसीडी में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? ए। तो हमारे में पहले आएगी वो। सच्ची बात है। बोलो बोलो। अरे भाई पहले कैरी को हमारे घर में तो पवित्र पावन पगला मानने दीजिए, बाद में बारी बारी सबके घर पे आएगी वो। पर जनरल पक्का लेके आना। हाँ अरे भाई तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? चलो अभी पहले हमारे घर पे चलते हैं, एक मिनट जरा साइड जाना। ठीक से कैरी करो। सच कहूं जाए भाभी, लंदन में जेठ भाई के मुंह से रोज आप लोगों की बातें सुनती थी, मुझसे रहा नहीं गया और पहले फ्लाइट से यहाँ आ गए। अरे वैसे कैरी बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई नहीं है। बचपन में मेरे माँ बाप प्लेन क्रैश में गुजर गए। कैरी बेन, आज के बाद कोई आपके परिवार के बारे में पूछे ना तो बताना कि आपके परिवार में बापूजी, एक बड़े भाई और भाभी भी है। So sweet, आई भाभी। दया, कैरी इतने दूर से आई है तो उसको दाल ढोकड़े तो खिला। दाल ढोकड़ी खाओगे ना? दाल ढोकड़ी दाल इंडिया करी, येलो दाल, उसमें ढोकड़ी, दाल ढोकड़ी। अच्छा, इंडियन करी। दया भाभी, लंदन में कहते हैं टू फॉरगेट ऑल वरी, ईट इंडियन करी। वाह,
Sorry, मतलब दूर करो सब वरी, पिकार इंडियन करी. अरे वाह! अपने परेशानी भूल जाओ, पिकार इंडियन करी. चलिया, अब गरीब है ना, एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए और फिर नाश्ता कर लीजिए और फिर हम सोसाइटी में सब लोगों को मिलने के लिए जाते हैं. As you wish, Daya Bhabhi. लेकिन मुझे राखो होटल जाना है. कैरी बेन, आपने तो एक ही मिनट में हम लोगों को पराया बना दिया. टप्पू के पापा, आप अभी जाइए और कैरी बेन का होटल कैंसिल कर दीजिए. अरे वाह दया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली. कैरी, मैं अभी का अभी तुम्हारे होटल कैंसिल कर दो. बराबर दया बाबूजी, आया अभी मैं. चल. अरे भिड़े भिड़े, मैं अभी तेरे घर गया था तो माधवी भाभी ने बताया कि तू आधे घंटे पहले स्कूटर लेके निकला, तो मुझे लगा कि तू यही कहीं मिल जाएगा. मिल गया ना भाई, बोलो क्या काम है. अरे भाई, मैंने सुना है कि सोसाइटी में वाटर कट लागू होने वाला है. बिल्कुल सही सुना है पोपटलाल. क्या है, इस साल बारिश बहुत कम हुई है, तो मैंने सोचा है कि टंकी का पानी जो है वो सुबह और शाम सिर्फ एक घंटा ही चालू करना चाहिए. अरे ऐसे थोड़ी चलता है, बीएमसी ने ऑलरेडी 30% वाटर कट डिक्लेयर किया है ना, इसके ऊपर तुम्हारा कट. भाई लोगों को नहाने के लिए पानी चाहिए कि नहीं? क्या बात करो पोपटलाल, तुम्हें कितना चाहिए पानी नहाने के लिए? एक तो अकेली जान, ऊपर से सिंगल पसली. अरे भाई, पसली सिंगल है लेकिन हाइट तो डबल है ना. ये देखो, तुम्हारी हाइट इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, इसका मतलब हुआ मुझे तुमसे इतना पानी ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, मेरे बाल भी तुमसे ज्यादा है, ये देखो. और मैं रोज बालों को धोता हूँ. पानी कम हुआ तो वाटर कट शुरू कर दिया. अरे भाई, सोचना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचो. आपका सुझाव बहुत अच्छा है पत्रकार पोपटलाल जी, लेकिन वो हार्वेस्टिंग के लिए रेन वाटर का आना बहुत जरूरी है. वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. पानी नहीं आया तो वाटर कट शुरू कर दिया. गाढ़ुआ पूरे वासली गीता. क्या पकाओ बेटे? अरे जिठल, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ओ, कैरी का होटल कैंसिल करने जा रहा हूँ. क्यों, अच्छा नहीं होटल? पता नहीं, मैं कभी उधर रहा नहीं. तो फिर कैंसिल करने क्यों जा रहे हो? भाई वो क्या, दया को बहुत बढ़िया विचार है कि कैरी हमारी मेहमान है, तो हमारे होते हुए वो होटल में रहे, वो क्या अच्छा लगता है. बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी भारतीय संस्कृति भी हमको यही सिखाती है, अतिथि देवो भव. क्या जेठालाल, इसका मतलब है कैरी अब तुम्हारे घर पे रहेगी? हाँ, अगर उसको रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ठहरी परदेसी, तो अभी हमारे साथ ऐसा जॉइंट फैमिली में उसको जमे ना जमे, तो इससे अच्छा कि क्या है, अपने एरिया में कोई फ्लैट मिल जाए ना भाड़े से कुछ दिनों के लिए, तो वो लेके उसको उधर शटल कर दो. आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कैंसिल करना पड़ेगा. क्यों? अरे भाई, मैं खुद पिछले 6 महीने से अपने दोस्त के लिए इस एरिया में घर ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा. आज भी मैं फ्लैट के शिकार में जा रहा था, लेकिन ये भिड़े ने रोक लिया. अब अरे जेठालाल, ये अभी अपना मोहन लाल है ना, उनका एक फ्लैट खाली पड़ा है. अरे हाँ ले. काक मां छोकरो ने गाम मां गोता गोत. अच्छा याद दिलाया, थैंक यू. बात करता हूँ मोहनलाल भाई से. चलो भिड़े, ये मोहनलाल का कौन सा फ्लैट खाली अपनी सोसाइटी में? ये पहले वाले वाला. अच्छा, ये हमारे साउथ इंडिया का फेमस डिश है, इडली सांभर. टेस्ट करो, टेस्ट करो. और ये हमारे बंगाल के सबसे फेवरेट स्वीट है, इसको कहते हैं रसगुल्ला. वाओ, ये दोनों व्हाइट डिश की जोड़ी कमाल की है. अरे कैरी बेन, सिर्फ ये डिश ही नहीं, अय्यर भाई और बबीता जी की जोड़ी भी कमाल की है. आपको पता है, ये गोकुलधाम की ऐसी जोड़ी है जिनकी पसंद हमेशा से अलग अलग रही है. क्यों बबीता जी? बिल्कुल सही कहा था भाभी. देखो, जैसे अगर मुझे शाहरुख खान की मूवीज देखना पसंद है तो इनको रजनीकांत की. बराबर है, और मेरे को स्लो क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, तो यह बबीता को फास्ट हिप हॉप म्यूजिक. और एक खास बात मैं बताऊं आपको, मेरे को तैयार होने में 2 सेकंड लगते हैं और बबीता को तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं. अरे लीजिए ना, टेस्ट करो. अरे वाह वाह वाह, मेरे बाबूजी सरदार अजीत सिंह जी कहते हैं
और जब तक लस्सी का डिजाइन चेहरे पे ना बन जाए लस्सी पीने का मजा ही नहीं आता जी। वाओ अमेजिंग, लेकिन लस्सी खत्म नहीं हो रही है। अरे कैरी, ये रोशन का स्पेशल पटियाला ग्लास है, जो भी मेहमान घर में आता है ना उसको ये पीना ही पड़ता है। बाबा ठहरो बबी, अब के सभी परोसे कमाल के हैं। सच्ची दुनिया में आज तक ऐसे लोग कभी नहीं देखे। So sweet. और कैरी बहन, आप देखोगे भी नहीं क्योंकि गोकुलधाम जैसी सोसाइटी दुनिया में एक ही है। और सच क्या दिया बाबू जी, हुआ हुआ हूँ, हुआ 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 हूँ, हुआ 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 हूँ, हुआ हुआ हुआ। मोहनलाल फोन क्यों नहीं उठा रहे, कहीं अंदर तो नहीं हो गए? ये लीजिए सेठ जी। सेठ जी, एक बार कैरी मैडम से मेरी मुलाकात करवा दीजिए ना। क्यों? क्या है सेठ जी कि मैं आज तक कोई फॉरेनर को मिला ही नहीं हूँ, तो मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ओ सोसाइटी में रहने को आएगी तभी मुलाकात करवा दूंगा। अच्छा। अरे मोहन भाई, किधर है आप, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बस धंधा पानी फर्स्ट क्लास। हाँ, याद इसलिए किया आपको, एक छोटा सा काम था आपका, वो अपनी सोसाइटी में आपका वो एक दूसरा फ्लैट खाली है ना, वो थोड़ा भाड़े पे चाहिए थे, क्या मेरी गेस्ट है। आज सुबह दे दिया फ्लैट किसको? पोपटलाल को। अरे तूने पोपटलाल को देखा? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, एक नंबर का चालू आदमी निकला वो। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे भाई नीचे उतरना यार, ऐसा गर्दन दर्द कर रही है। हाँ बताओ क्या हुआ। वो सुबह तुम बता रहे थे ना मोहनलाल के फ्लैट के बारे में। हाँ हाँ, तो मैं मोहनलाल को फोन करूँ उसके पहले ये मोहनलाल के पास पहुँच गया और ले लिया फ्लैट भाड़े से। अरे हाँ, उसके दोस्त को भी तो चाहिए था ना फ्लैट भाड़े पे। मेरी गलती है, उसके सामने इस फ्लैट के बारे में तुमको बताना नहीं चाहिए था। कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे भीड़े। अरे तो आ गया पोपटलाल। पोपटलाल इधर आ। क्या है जेठालाल? एक मिनट। देखो भाई, वो ऊपर वाला फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर वाला। हा? जाओ भाई, जाओ आप लोग जाओ। एक मिनट रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्या हुआ? पोपटलाल यह गलत है। क्या गलत है? तुमको पता था ना। क्या पता था? ऐसा करने का। कैसा, क्या कैसा करने का? पोपटलाल, तुम्हारी वजह से जेठालाल ने मुझे कितना सुनाया पता है तुम्हें? अरे भाई मैंने किया क्या है? पत्रकार पोपटलाल, तुम मोहनलाल से मिलने गए थे। हाँ। और फ्लैट भाड़े पे ले लिया। हाँ। तुमको पता था ना मुझे यह फ्लैट कैरी के लिए चाहिए था। हाँ? तो भी? हाँ। तो अभी कैरी कहाँ रहेगी? यहाँ। यह तुम्हारा दोस्तों के साथ? ये मेरे दोस्त नहीं है, ये प्लम्बर है और ये इलेक्ट्रिशियन है। तो इनके लिए तुमने फ्लैट भाड़े पे लिया? नहीं जेठालाल, मैंने इनके लिए फ्लैट नहीं लिया है। तो किसके लिए भाड़े पे लिया फ्लैट? कैरी के लिए। क्या है ना जेठालाल, इतने दिनों से ये फ्लैट बंद है तो मैंने सोचा इनको ले आता हूँ, ये लोग चेक कर लेंगे कि लाइट पानी सब बराबर है कि नहीं। कैरी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब जा सकते हैं ना ये लोग? हाँ, अरे खड़े क्यों, जाओ जाओ भाई जाओ। हाँ भाई जाओ जाओ। हाँ इधर पहले माल है। हाँ। बराबर देखना लाइट पड़े हैं, एकदम फर्स्ट क्लास चेक करना। हाँ। पत्रकार पोपटलाल। हाँ? अरे भाई थैंक यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या ना, मतलब पत्रकार पोपटलाल भी किसी का काम हो सकता है ये आज पता चला, नहीं भिड़े? चमत्कार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो यार खुशखबरी में दया को दे के आता हूँ। चलो थैंक यू। मैं भी जरा चेक करता हूँ वो लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। देखा आपने गोकुलधाम निवासियों के प्यार मोहब्बत को किस स्नेह के साथ, किस उमंग के साथ स्वागत किया लंदन से आई कैरी का। यही भारतीय परंपरा है, हमने हमेशा हमारे देश में आए मेहमानों का स्वागत किया।
अतिथि देव भव की परंपरा से। लेकिन इस स्वागत में कोई तो है जो लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हो गया। अरे हमारे दोस्त पत्रकार पोपटलाल जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं दुनिया को हिला दूंगा, लेकिन जैसे ही कैरी को देखा उनके दिल दुनिया और छाता सब कुछ हिल गए। अब देखते हैं पोपट और मैडा की ये जोड़ी क्या गुल खिलाती है। पत्रकार पोपटलाल की जिंदगी में मोहब्बत के रंग, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.